तो स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं निखिल और हम लोग एसिड बेस चार्ज जो कि चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10th का साइंस का, तो इसको हम लोग पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेसिस का हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज जानने वाले हैं कि एसिड और बेसिड अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, आपस में अगर रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा एसिड और बेस तो क्या बनता है, तो ये सारे चीज हम लोग इस वाले पार्ट में जानने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले पार्ट को। तो सबसे पहले समझते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। अगर कोई मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, तो रिएक्ट तो करेगा और क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो इसका बेस फॉर्मूला आप यहाँ पे याद कर सकते हो। जैसे अगर कोई एसिड है उसको अगर मेटल के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो वो साल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस वहां पे निकलेगा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है अगर हम लोग एसिड में अगर हम रखते हैं HCl को, ठीक है, इसके साथ अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं जिंक मेटल को Zn, ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, साल्ट निकलेगा तो ZnCl2 और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। अभी रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे दो क्लोरीन है, यहाँ पे सिंगल है, तो यहाँ पे दो कर दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन यहाँ पे बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड जो एसिड है इसको अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं जिंक मेटल के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जिंक क्लोराइड जो कि एक साल्ट है ये फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर H2SO4 के साथ यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं जैसे कि आयरन को, ठीक है, Fe आयरन को रिएक्ट कराते हैं तो FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस के फॉर्म, ठीक है। तो सेम रिएक्शन आता है अगर हम किसी भी एसिड को किसी भी मेटल के साथ अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो वहां पे हमारा जो है साल्ट फॉर्मेशन होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी आ जाता है जैसे कि गोल्ड हो गया Au, ठीक है, प्लेटिनम हो गया, तो ये सब के साथ एसिड रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये सब दो पॉइंट है इसको आप याद रख सकते हो, बाकी सबके साथ एसिड रिएक्ट करता है और वहां पे वो चीज का साल्ट का फॉर्मेशन और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं, अच्छा एक चीज और, इसको इसी फॉर्म पे लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जिंक प्लस HCl करके भी लिखो या HCl प्लस जिंक करके लिखो, बात एक ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर हम लोग एग्जाम्पल का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अल्यूमिनियम को अगर रिएक्ट करा देते हैं HCl से, ठीक है, तो अल्यूमिनियम क्लोराइड भी यहाँ पे बन जाएगा, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अगर हम ऑर्गेनिक एसिड के साथ अगर हम लोग कोई मेटल का रिएक्शन कराते हैं जैसे कि CH3COOH एसिटिक एसिड हो गया, इसके साथ अगर हम लोग रिएक्ट करा देते हैं कैल्शियम को, ठीक है, तो कैल्शियम एसिटेट बना देगा CH3COOH, ठीक है, O2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलेगा। तो कोई भी मेटल को अगर किसी भी एसिड के साथ अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो सारे मेटल नहीं, कुछ एक्सेप्शन हो जाएगा, गोल्ड प्लेटिनम इसको छोड़ के बाकी सारे मेटल को जनरली अगर हम रिएक्ट कराते हैं एसिड के साथ तो वहां पे साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक फिगर में भी देख सकते हो, यहाँ पे एपरेटस का पूरा सेटअप किया गया स्टैंड के साथ, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया और जिंक का ग्रेन्यूल्स यहाँ पे जिंक के टुकड़े यहाँ पे डाल दिए, इसको सील पैक कर दिया, ऊपर से एक डिलीवरी ट्यूब लगा दिया, ओके। जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल डालेंगे तो इसमें रिएक्शन शुरू हो जाएगा और यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, जिंक के साथ H2SO4 रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन हमारा बन जाएगा जिंक ZnSO4 प्लस H2 गैस निकलेगा, ठीक है, ये H2 गैस यहाँ पे निकलने लगेगा इस पाइप के द्वारा, डिलीवरी ट्यूब के द्वारा निकलेगा और यहाँ पे आप हम सोप सोल्यूशन के ऊपर में अगर यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं तो यहाँ पे बबल के फॉर्म पे निकलेगा। और हाइड्रोजन गैस को हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस ही एक ऐसा गैस होता है जिसको अगर हम लोग जलाते हैं, यहाँ पे कैंडल जलता हुआ कैंडल है तो पॉप साउंड का आवाज आता है, तो यहाँ पे पॉप पॉप की आवाज आएंगे, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है क्योंकि बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल गैस होता है और तुरंत ही रिएक्ट कर जाता है, तो यहाँ पे पॉप साउंड यहाँ पे हमें सुनाई देगा जिससे हम लोग को पता चल जाए कि हाँ रिएक्शन सही हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक है। अब जिंक के साथ यही सेम है, अगर हम लोग कोई दूसरा मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, Mg, और यहाँ पे एसिड को बदल के HCl कर देते हैं, ठीक है, तो भी सेम रिएक्शन हो जाएगा, तो MgCl2 प्लस H2, ठीक है, सेम चीज रहेगा, यहाँ पे मैं बैलेंस कर देता हूँ उसको, मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो पता कैसे चलेगा कि ये रिएक्शन हो रहा है, तो हाइड्रोजन गैस के टेस्ट से पता चलेगा, कैसे, कैंडल रखेंगे, जलता हुआ कैंडल रखेंगे तो वो पॉप साउंड का आवाज करेगा, हाइड्रोजन जब जलता है एयर में तो पॉप साउंड का आवाज करता है जिससे ये पकड़ा जाएगा, ओके।
अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, एक एक्सेप्शन आ जाता है अगर मेटल को हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। अगर किसी मेटल को हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो साल्ट और वाटर तो निकलेगा ही, ठीक है। साल्ट हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे वाटर निकलेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी गैस निकलेगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है एक्चुअल में रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड इतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि उस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्शन लिखे तो नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल का तो HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ अगर जिंक मेटल को हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे जिंक ZnNO3O2 जिंक नाइट्रेट प्लस H2O वाटर प्लस यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस यहाँ पे निकलने लगेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे हो जाता है, अगर हम लोग इसको बैलेंस कर दें तो यहाँ पे अगर दो कर दें, यहाँ पे दो कर दें, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे दो कर देते हैं, तीन कर, अब ये रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से अब आपका ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया, नाइट्रोजन 4-5-2NO2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगा, साथ साथ वाटर भी निकलेगा, साथ साथ जिंक नाइट्रेट भी निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कुछ साल्ट वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का पहचान है ये ब्राउनिश कलर का, रेडिश ब्राउनिश कलर का गैस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल जाएगा। उसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है कि अगर Mg मैग्नीशियम और मैग्नीज Mn ये दोनों यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाते हैं, इसके साथ अगर जिंक नाइट्रिक एसिड बहुत ही डायलूट मात्रा में अगर रिएक्ट करता है तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस नहीं निकलता है, सिंपली हाइड्रोजन गैस ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन हो जाता है, बस ये दोनों का एक्सेप्शन याद रखना है, एमजी और एमएन। तो यहाँ पे जो पुराना जो हमारा रिएक्शन था ये वाला एसिड का, अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अगर लग जाएगा और एमजी के साथ दे दिया, ट्विस्ट करने के लिए क्वेश्चन दे सकता है, एमजी प्लस HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे मैग्नीशियम यहाँ पक्का से डाइल्यूट लिखा रहेगा, ठीक है, कंसेंट्रेटेड के साथ नहीं डाइल्यूट के साथ, तो एमजी नाइट्रेट मैग्नीशियम NO3O2, ठीक है, प्लस यहाँ पे H2 गैस निकलता है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, मतलब कि रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, अगर मैग्नीशियम और सेम चीज मैग्नीज के साथ भी हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों के साथ सेम हो जाता है, यहाँ पे हमारे मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस का होगा, सिर्फ यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये दोनों का आया था, बाकी सबके साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या अदर ऑक्साइड्स या नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड N2O ये सब चीज भी निकल सकता है, मेनली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। रिएक्शन विद बेस विद मेटल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मेटल्स जो हैं वो बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जिंक की, जिंक जो है NaOH के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो जिंक अगर NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट बनाता है Na2ZnO2, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस डिफॉर्म हुआ, ठीक है, यहाँ पर मैं बैलेंस कर देता हूँ ये, ठीक है। तो जिंक अगर NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड, अगर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है, ओके। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग लेते हैं मेटल कार्बोनेट का एग्जाम्पल लेते हैं तो कैल्शियम CaCO3 के साथ अगर हम लोग एसिड रिएक्ट कराते हैं, HCl डाल देते हैं, तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा CaCl2 जो कि एसिड साल्ट होता है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, उसके साथ वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्शन को बैलेंस कर दें तो यहाँ पे टू हो जाएगा और यहाँ पे रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको अगर हम लोग HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह से अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैल्शियम CaHCO3O2 अगर ये रिएक्ट कर जाता है HCl के साथ, ठीक है, तो भी फॉर्मेशन करेगा कैल्शियम CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला होगा, सेम चीज होगा, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा जो कि एक साल्ट होता है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, साथ साथ वाटर निकलेगा, ठीक है। इसको आप रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो। तो ये होता है क्या मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने पे
अगर कोई एसिड रिएक्ट करता है तो वहां पे साल्ट एसिड साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट कर दो MgCO3 कर दो, ठीक है, यहाँ पे जिंक कार्बोनेट कर दो ZnCO3 कर दो, इस तरह से आप चेंज कर दो। एसिड को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो H2SO4 कर दो, या फिर नाइट्रिक एसिड कर दो HNO3 कर दो, ठीक है, ये सब चेंज कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पे सेम आएगा, उसी का रेस्पेक्टिव H2SO4 रहेगा तो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का फॉर्मेशन करेगा, सेम चीज होगा। ठीक है, तो मेटल और बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करेगा तो सेम चीज यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे एपरेटस का सेटअप देख लो, एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब था उसमें डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिक्विड है, ये डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और नीचे में सोडियम कार्बोनेट को डाल देते हैं। ठीक है, तो डायलूट HCl हो गया यहाँ पे, ठीक है, HCl, और यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को डाला गया Na2CO3। ठीक है, अब इसके बीच में जो रिएक्शन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वहां पे इसको फनल से डाला गया यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके एसिड को। ठीक है, पहले सोडियम कार्बोनेट को डाले और धीरे डालते हैं, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसके कारण हीट काफी प्रोड्यूस होगी, थोड़ा थोड़ा करके डाला जाएगा, और यहाँ पे जो गैस इवॉल्व होगा उसको आप इस टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे जो गैस निकलेगा तो इसका जो रिएक्शन है उसका सोडियम NaCl यहाँ पे साल्ट बनेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन हो रहा है, साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है उसको हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं जहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन होता है ये मिल्की सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। लाइम वाटर का सॉल्यूशन था, लाइम वाटर होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है वाटर। ठीक है, इसमें अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास करें तो ये मिल्की हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है। ठीक है, तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि ये वाला रिएक्शन हो रहा है सोडियम कार्बोनेट, मतलब कि मेटल कार्बोनेट के साथ अगर हम लोग एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसी से ये डिटेक्ट होता है, इसलिए ये वाला टेस्ट किया जाता है। अब इसका मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, तो जैसे ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ था उसको हम लोग लाइम वाटर में डालते हैं, तो लाइम वाटर क्या होता है CaOH2, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको अगर हम लोग एक्वा सोल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, वाटर में डालते हैं और इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को डालते हैं। ठीक है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 प्लस H2O यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि इनसोल्युबल होता है वाटर में और लाइम वाटर को कर देता है मिल्की। ठीक है, ये होगा लाइम वाटर, हमारा लाइम वाटर टर्न्स मिल्की हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मिल्की हो जाएगा लाइम वाटर, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा और वो मिल्की हो जाएगा। अगर फर्दर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते रहेंगे CaCO3 में लाइम वाटर में, अगर हम लोग फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग पास करते रहेंगे प्लस वाटर भी रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3O2। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि वाटर में पूरी तरह से सोल्युबल होता है और सोल्युबल होने के कारण वो ट्रांसपेरेंट कलर का हो जाएगा, तो जो मिल्की कलर था लाइम वाटर का कैल्शियम कार्बोनेट का, ये जो मिल्की कलर था ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बनाएगा। ओके, अब हम लोग एक क्वेश्चन के बात करते हैं। ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग सेल टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स, जब यहाँ पे बता रहा है कि क्रश्ड एग है, एक सेल है, ठीक है, अंडे के छिलके को क्रश किया हुआ, ठीक है, और ये जो गैस इवॉल्व करता है अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराने पे, ठीक है, तो वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, द सॉल्यूशन कंटेन्स, सॉल्यूशन में ऐसा क्या होगा, एसिड तो नहीं लिखा है, एसिड में आंसर में देना है। ऐसा एक्स का सेल है, उसमें अगर हम एक लिक्विड डालते हैं तो वहां पे जो गैस प्रोड्यूस होता है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, तो लाइम वाटर मिल्की कब होगा, CaOH2 में अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ठीक है, लाइम वाटर यहाँ पे मिल्की हो जाता है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस होता है, जब किसी मेटल कार्बोनेट के साथ अगर हम लोग अगर एसिड को रिएक्ट कराते हैं
तो ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, जो कि एक टेस्ट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि लाइम वाटर के साथ अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो मिल्क हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस होता है? जब मेटल कार्बोनेट के साथ अगर हम लोग एसिड को डालते हैं। तो यहाँ पे हमें एसिड को ढूंढना है। NaCl साल्ट होता है, लिथियम क्लोराइड साल्ट होता है, पोटेशियम क्लोराइड साल्ट होता है, यहाँ पे एसिड क्या HCl है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे HCl हो जाएगा। अब इसको चेंज कर सकता है, यहाँ पे H2SO4 डाल सकता है, नाइट्रिक एसिड डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है, कोई भी दूसरा एसिड डाल सकता है, तो सेम रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर सकता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। अगर आपस में ही एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तो क्या फॉर्मेशन होगा? ठीक है, तो एसिड और बेस का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NaOH। ठीक है, अगर इसको एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो NaCl का फॉर्मेशन होगा प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये चीज हो जाता है। अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी एक बेस है, इसको अगर हम लोग रिएक्ट करा देते हैं H2SO4 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट बनेगा, CaSO4 प्लस वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई भी एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करा देते हैं तो वो साल्ट का फॉर्मेशन करेगा और वाटर फॉर्मेशन करेगा। तो एसिड और बेस आपस में जब जब रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो साल्ट एंड वाटर बनेगा और इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये याद रखने का चीज है, काफी एग्जाम्पल अभी आने वाला है साल्ट के फॉर्मेशन में, इसी का एग्जाम्पल आता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही होता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या अंतर होता है? जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा, बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करेगा तो साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा। क्या हो कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए, वीक एसिड हो जाए, ठीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और दोनों स्ट्रॉन्ग बेस अगर रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब यहाँ पे साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और वीक एसिड हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो साल्ट फॉर्मेशन होगा, साल्ट का फॉर्मेशन तो होगा लेकिन वो स्लाइटली बेसिक होगा। उसी तरह से अगर वीक बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ठीक है, तो जो साल्ट का फॉर्मेशन होगा वो स्लाइटली एसिडिक होगा। ठीक है, अब मैं इसको लिख देता हूं, अगर साल्ट है, अगर यहाँ पे एसिड है, ठीक है, और यहाँ पे बेस है, ठीक है, एसिड और बेस अगर रिएक्ट करेगा तो साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। ठीक है, अगर एसिड है ये हो गया स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और जो बेस है ये बन गया वीक, सिंबल में लिखा हो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे साल्ट का फॉर्मेशन तो होगा ही लेकिन एसिड जो था स्ट्रॉन्ग था तो स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा, स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप लिटमस पेपर डालते हो तो यहाँ पे हल्का सा उसका जो एसिडिक है इसलिए हल्का सा रेडिस कलर शो करेगा। ठीक है, तो यही हो जाता है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में रिएक्ट कर जाते हैं वीक बेस के साथ। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि एसिड जो है ये वीक रहेगा और बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा तो क्या होगा? साल्ट का फॉर्मेशन तो होगा लेकिन स्लाइटली बेसिक हो जाएगा। ठीक है, स्लाइटली बेसिक हो जाएगा तो लिटमस पेपर डालेंगे तो हल्का सा ब्लूइश कलर शो करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाता है। अब रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। अगर किसी मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है? तो मेटल ऑक्साइड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्साइड को हम ले लेते हैं एग्जांपल में, एसिड में हम लोग लेते हैं वही अपना HCl, कॉमन एसिड होता है, आराम से इसको यूज कर सकते हैं, सारा चीज में इसमें वर्क करता है। ठीक है, एक्सेप्शन इसमें नहीं है इसलिए एग्जांपल एकदम क्लियर आता है इसका। कैल्शियम ऑक्साइड को HCl के साथ अगर हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे साल्ट एंड वाटर बनेगा, तो CaCl2 प्लस H2O। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करने में कैल्शियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। कोई भी मेटल ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसका साल्ट रेस्पेक्टिव साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग दूसरा एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड लेते हैं Na2, ठीक है, इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा, Na2SO4 प्लस यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होगा। अगर हम लोग जिंक ऑक्साइड लेते हैं ZnO, ठीक है, इसको अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं नाइट्रिक एसिड के HNO3 के साथ, तो यहाँ पे जिंक नाइट्रेट ZnNO3O2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन। ठीक है, इसी तरह से कोई भी ऑक्साइड अगर हम लोग लेते हैं, जैसे कि अगर आप एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ अगर हम लोग एसिटिक एसिड CH3COOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, सेम फॉर्मूला पे चलेगा, मैग्नीशियम साल्ट बनेगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, मैग्नीशियम एसिटेट बनेगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा, इसका क्या प्रोडक्ट होगा इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना।
तो कोई मेटल ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फिर ये फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, ठीक है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड अगर हम लोग बात कर ले तो नॉन मेटल ऑक्साइड हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको किसी बेस के साथ रिएक्ट करा देते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग रिएक्ट करा दिए बेस के साथ, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। लाइम वाटर टर्म्स में याद है ना एग्जाम्पल जो मैंने बताया था अभी कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करने के लिए, वो यही वाला एग्जाम्पल था। उसमें भी तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, वो अगर निकल रहा होगा उसको बेस से पास करा देंगे, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो बेस रहेगा ये एक्वा सोल्यूशन में रहेगा, वाटर में होना चाहिए, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होगा, तब यहाँ पे ये चीज रिएक्शन फॉलो हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह का अगर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं दूसरा कोई, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास कराते हैं, ठीक है, तो सेम रिएक्शन हो जाएगा, सोडियम Na2CO3 प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे दूसरा गैस ले लो आप सल्फर डाइऑक्साइड को NaOH के साथ रिएक्ट करा दो, ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम Na2SO3 सोडियम सल्फाइड का यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा। वहीं पे SO3 अगर गैस ले लोगे यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा, Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन करेगा। तो जैसा हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रहेगा उसको हम वैसे बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वैसा फॉर्मेशन करेगा। एक और आ जाता है कि अगर कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उसको हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, तो वहां पे रिएक्शन नहीं होगा और क्या होगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करो कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, इसको हम लोग HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे, नो रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा ही नहीं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमारा ओलियम का फॉर्मेशन हो जाता है, H2S2O7 ओलियम का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, जो सल्फ्यूरिक एसिड मार्केट में मिलता है वो ओलियम का फॉर्मेशन पे ही मिलता है, इसमें वाटर मिलाने पे ये हमारा प्योर सल्फ्यूरिक एसिड में फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इस तरह का रिएक्शन यहाँ पे होते रहता है अगर हम लोग जनरली हम लोग बात करें कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लोग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट एंड वाटर बनाता है, लेकिन अगर बात करें कि अगर कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लेते हैं उसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो जनरली नो रिएक्शन फॉलो होता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।